उदाहरण तीन प्रश्न। दिए गए चित्र में कोण सी ओ डी बराबर 90 अंश, कोण बी ओ ई बराबर 72 अंश और ए ओ बी सरल रेखा होने पर कोण ए ओ सी, कोण बी ओ डी और कोण ए ओ ई ज्ञात कीजिए। हल। चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, इसलिए कोण ए ओ ई धन कोण बी ओ ई बराबर 180 अंश, क्योंकि ये दोनों कोण रेखीय युग्म बनाते हैं। अब चित्र में दिया है कि कोण ए ओ ई बराबर 3x अंश है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 3x अंश धन कोण बी ओ ई। चित्र में देखिए इसका मान दिया हुआ है 72 अंश, तो कोण बी ओ ई बराबर 72 अंश लिखा हमने, तो 3x अंश धन 72 अंश बराबर 180 अंश, या 3x अंश बराबर 180 अंश ऋण 72 अंश, या 3x अंश बराबर 108 अंश। तो x अंश बराबर हो गया 108 बटे 3 अंश, 3 × 9 और 3 × 6 = 18, तो x अंश बराबर मिला हमें 36 अंश। इसे हम बनाते हैं समीकरण नंबर 1। इसी तरह से कोण ए ओ सी धन कोण सी ओ डी धन कोण डी ओ बी बराबर 180 अंश, क्योंकि ये बिंदु ओ सरल रेखा पर स्थित है और उस पर ये तीनों कोण बन रहे हैं। अब चित्र से देखिए एक्स अंश कोण ए ओ सी बराबर एक्स अंश, कोण सी ओ डी 90 अंश धन कोण डी ओ बी वाई अंश बराबर 180 अंश। एक्स अंश का मान हम अभी निकाल चुके हैं 36 अंश धन 90 अंश धन वाई अंश बराबर 180 अंश, यह हम इस तरह से लिख सकते हैं 126 अंश धन वाई अंश बराबर 180 अंश, तो वाई अंश बराबर मिलेगा 180 अंश ऋण 126 अंश, यह हम इस तरह से लिख सकते हैं वाई अंश बराबर 54 अंश। इसलिए ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अतः कोण ए ओ सी बराबर एक्स अंश, यह हम इसको लिख सकते हैं एक्स का मान 36 अंश। इसी तरह से कोण बी ओ डी बराबर वाई अंश या 54 अंश, और इसी तरह से कोण ए ओ ई बराबर 3x अंश या 3 × 36 अंश या 108 अंश। इस तरह से हमारे उत्तर मिले कोण ए ओ सी बराबर 36 अंश, कोण बी ओ डी बराबर 54 अंश और कोण ए ओ ई बराबर 108 अंश। कंप्लीट।